गनी शनवारी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के जो ओनर हैं हाजी गनी साहब के भाई हैं उमर साहब, उनसे भी हम थोड़ा सा जानेंगे माशाल्लाह इनकी ब्रांच कौन सी है, कितना अर्सा हो गया इनको यहाँ पे, और इसके अलावा ये कि माशाल्लाह आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है फैमिली सेक्शन पे भी, और कैसे खाने तैयार होते हैं और उनके लाइव कैसे, वो इनसे मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे भजन, थोड़ा सा तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। अच्छा, मेरा नाम तो उमर है और फजल गनी जिसके नाम पर रेस्टोरेंट हो तो मेरा बड़ा भाई है, और बस अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए गनी शनवारी में आप भाइयों की खिदमत कर रहे हो। और अच्छा, क्या माशाल्लाह ये काफ़ी देख रहे हैं बड़ा एक जो है वो आपका अच्छा एटमॉस्फेयर है, और बड़ी लाहौर में अक्सर पार्किंग का इशू होता है, यहाँ पे बड़ी अच्छी आपकी पार्किंग और फैमिली सेक्शन भी अलग अलग से हैं, और ये कितनी ब्रांच है आपकी यहाँ लाहौर में? लाहौर में तो सिर्फ हमारी दो ही ब्रांच है, एक फर्स्ट ब्रांच जो हमारा ट्रक अड्डे का है जो ट्रक अड्डे में, दूसरी ब्रांच हमारा ये बीडीआर रोड अस्कर 11 के पास है, बाकी फेक ब्रांचें चल रहे, दो तीन ब्रांचें हैं लेकिन इंशाल्लाह वो बंद हो, जल्द ही बंद हो जाएगी। जैसे कि हम जाते हैं कि अक्सर वो वॉक एंड वाली साइड पे भी गनी शनवारी या वो इस तरीके से वो ऐसा चीज नाम लेके चलाते हैं। जी जी जी, एक जोहर टाउन में, एक ये निश्तर में और एक बहरिया टाउन में, तीनों फेक चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये जल्द बंद हो जाएंगे। आपने ये नोट करना है कि ये वो कह रहे हैं कि हमने उसका लीगली उसको परसू किया, वह बंद हो जाएंगी, ये आप देख रहे हैं कि इनका जो असली टेस्ट है वो यहीं से, क्योंकि इनके पास कुक वगैरह भी पूछेंगे, और ये आपके सारे जो कुक हैं वो ये, हाँ जी ये आप जितने भी कुक है चाहे वेटर है या कुक है ये सब शुक्र है हम अपने इलाके का है और एक ही गांव के है सब। ये वहाँ पेशावर वाली? जी जी, हम खैबर एजेंसी लंडी कोतल, हमारा शिनवारी कौम है, हम सारे उधर से आए हुए हैं, इधर हम काम कर रहे हैं हमारे साथ सारे। उमर भाई कितना अर्सा हो गया इस आपका ये रेस्टोरेंट फील्ड में? आपको रेस्टोरेंट फील्ड में तकरीबन हमारा 6-7 साल हो गया, और माशाल्लाह ये आपकी टेस्ट की बदौलत ही है कि इतना अच्छा लाहौर में आपको रिस्पांस है, फैमिलीज आ रही हैं और माशाल्लाह इतना रश लगा हुआ है। जी जी, बस अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह, और टेस्ट भी हमारा अच्छा है, लोग पसंद करते हैं अच्छी तरह, जैसी तरह लाहौरी का टेस्ट है ना उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाते हैं और लोग पसंद कर लेते हैं। और आपका माशाल्लाह जो रेट्स भी हैं वो भी बड़े रीज़नेबल ही हैं आपके, कोई इतने आप नहीं है कि जैसे माशाल्लाह आपका इतना बड़ा सेटअप है उस लिहाज से कोई आपने रेट इतने ज़्यादा नहीं रखे हुए? नहीं, इतना बाकी का पूछो, हमारा उसका बहुत फ़र्क होता है रेट में, हद से ज़्यादा फ़र्क है, और बाकी आप लोगों का प्यार है कस्टमर का। अच्छा माशाल्लाह, हमने ट्राई किया आपकी हर चीज़ ही बड़ी स्पेशल है, लेकिन कोई ख़ास स्पेशलिटी जैसे रोज कोई दम पोख्त या क्या आप कहते हैं काबली ब्लॉक, क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है? हाँ ये है कि हमारे जो रेस्टोरेंट में कढ़ाई ये टिक्का वगैरह हर जगह मिलता है, हमारी स्पेशलिटी है रोज जी, जो किसी जगह पे भी नहीं है, और काफ़ी लोग लगे हुए हैं कि उसका रेसिपी वो हमसे सीख मिल जाए और हमसे सीखे वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर वो लीक भी हो जाए तो हम कोई परवाह नहीं है। एक इंसान जिसके हाथ में टेस्ट और अल्लाह ने एक इज्जत दी हुई है, एक जायका है, वो तो वही रहता है ना? जी जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है लाख 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 भाई। तो ये आप देख रहे हैं जी, उमर भाई हमारे साथ मौजूद थे, आपने यहाँ पे आए अपनी फैमिलीज के साथ आए, और यहाँ पे बड़ा ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, बड़ा ही पीसफुल है, फैमिलीज की अलग से जगह है, बल्कि आप अगर वीकेंड के दिनों में आते हैं तो इनका नंबर भी मौजूद है, आप कुछ पहले इनको रेजर्वेशन वगैरह करवा के बुकिंग करवा के आप फिर भी इस पर आ सकते हैं, और आप यहाँ पर आएँ, रोज ट्राई करें, दम पुख्त करें, मटन कढ़ाई करें, उसके अलावा इनके काबली पुलाव है, ईच एंड एवरी थिंग अवेलेबल है जी। तो हम खड़े हैं इनके मीट सेक्शन में, और आप ये जैसे कि देख रहे हैं कि इनका यहाँ पे फ्रेश मीट होता है, और ये ख़ुद यहाँ पे आके आप, आपको कोई भी पीस जो आपको पसंद हो, लैम्ब का हो या आपको जो है चेस्ट का हो या आपको रिब्स का हो, जो भी आप चाहें यहाँ पे आके आप ये बनवा सकते हैं, और पर केजी के हिसाब से ये, और ये बिल्कुल फ्रेशली है, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं बैक साइड पर कि जो ये मीट है ये कि गवर्नमेंट से अथोराइज्ड है और ये स्टैम्प्ड है जी। तो अब हम खड़े हैं इनकी लाइव सेक्शन में, जहाँ पर इनकी जो है वो कढ़ाई सेक्शन है, यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम की यहाँ पे कढ़ाइयाँ ये लोग बनाते हैं, इनमें सलमानी कढ़ाई भी, गनी शनवारी भी, इनमें जो इनकी दम पुख स्पेशल है वो भी इसमें कढ़ाई बनती है, मटन दुबा कढ़ाई भी, और काफ़ी ज़्यादा इनकी वराइटीज़ हैं। इनके जो शेफ्स हैं वो भी इनके अपने इलाका महमद एजेंसी के हैं, और बड़े ही स्पेशली अपने जो फ़न है उसमें बड़े ही महारत रखते हैं, और आप जैसे ये सब देख रहे हैं कि इनमें मुख्तलिफ जो इनकी वैरायटी है वो है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सारा लाइव जो है वो मटन वहाँ से लिया जाता है और यहाँ पे ये तैयार होता है, और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा हमें ये दिखाएं भी जो है, ये देखें जैसे ये
मटन शनवारी कढ़ाई है, साथ मटन सलमानी कढ़ाई है, उसके अलावा ये दम पुख्त कढ़ाई भी जो है, और इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग आपको मुख्तलिफ इनकी किस्में हैं वो सब यहाँ से अवेलेबल होंगी। आप आएँ, यहाँ पे बड़ा ही अच्छा एटमॉस्फेयर है और बड़ा ही फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, और आके इंजॉय कीजिए यहाँ पर।